वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे आलू का बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाला नाश्ता। बहुत ही क्विकली बनकर रेडी हो जाता है, बिल्कुल कम ऑयल में। बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता है। अगर मेहमान आ गए हैं अचानक से तो घर पर आप ये बना के खिला सकते हैं मेहमान को, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बिल्कुल आसानी से झटपट बनकर रेडी हो जाता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम एक बर्तन में एक कप पोहे लेंगे। पोहे को हम साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। पोहे को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट रख देंगे सोक होने के लिए। तो 5 मिनट में ही हमारे जो पोहे है वो सोक हो चुके हैं। देख सकते हैं पोहे हमारे ड्राई हो गए हैं। तो पोहे को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मसलना है। तो देखिए पोहे को हमने बिल्कुल अच्छे से मसल लिया है। देख सकते हैं डो की तरह बन गया है। आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में भी एक बार चला सकते हैं। अगर आप हाथों से ना मसलना चाहें तो हाथों से भी मसल सकते हैं। हाथों से भी बहुत ही क्विकली ये मसल जाते हैं एक बार सोक होने के बाद। लेकिन मिक्सर जार में चलाते वक्त आपको बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। जिस तरीके से हमने हाथों से मसला है सेम उसी तरीके से आपको मिक्सर में एक बार चला लेना है। अब ये हमने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसे हमने छील कर साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और कद्दूकस कर लिया है। तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। आलू को हमें पानी अच्छे से निकाल देना है। तो देखिए बहुत ही झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो इसे आप क्विकली बना सकते हैं। जितनी देर हमने पोहे को सोक किया है उतनी देर में आप दूसरी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आलू छील कर आप कद्दूकस कर सकते हैं उतनी देर में। तो बहुत ही जल्दी बनकर ये नाश्ता रेडी हो जाता है। बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला चटपटा टेस्ट देने के लिए, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कट किए हुए हरी मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया ऐड करेंगे इसमें, 2 चम्मच इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे साफ हाथों से। तो देखिए नाश्ते में पोहे और आलू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट टेक्सचर आता है इसका। तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये डो की तरह तैयार हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसके हम बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉल्स बना के ये हमने एक छन्नी ली है जिसमें ऑयल लगा लिया है। इसके ऊपर हम बॉल्स को रखेंगे, सारे बॉल्स इसी तरीके से बना के इसमें रख लेंगे। तो ये हमने कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया है। तो जब तक हमने बॉल्स बनाए तो हमने गैस पर कढ़ाई में पानी को गर्म करने रख दिया था। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, बॉल्स भी हमारे सारे बन चुके हैं। तो बहुत ही झटपट ये नाश्ता बन जाता है। अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो हम इसे ढक देंगे और हाई फ्लेम पर 7 मिनट हमें इसे कुक करना है। तो 7 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने कुक कर लिया है। और ध्यान रखिए आप जिस भी ढक्कन को या बर्तन को इसके ऊपर ढक रहे हैं उसे थोड़ा खुला रखें, जिससे कि जो भाप है वो बॉल्स के अंदर ना जाए। तो ये बॉल्स का देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और अच्छे से कुक हो चुके हैं ये बॉल्स हमारे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे स्टीम होने में। तो इसे हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। जब तक हमारे बॉल्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम तड़का रेडी कर लेंगे। तो उसी कढ़ाई में हमने ऑयल लेना है। 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है। 1/2 चम्मच इसमें हम काला सरसों ऐड करेंगे यानी कि राई ऐड करेंगे। 2 पिंच इसमें हम हींग ऐड करेंगे। टेस्ट अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है हींग। तो सरसों चटकने पर 1/2 चम्मच इसमें हम सफ़ेद तेल ऐड करेंगे। थोड़े से फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करेंगे।
लो पे कर देंगे गैस की फ्लेम को। अब जो हमारे बॉल्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। बॉल्स को आपको पूरी तरीके से ठंडे करने की जरूरत नहीं है, जब तक तड़का आपका रेडी हो रहा है तब तक आप ठंडा कर सकते हैं बॉल्स को। तो ये बॉल्स को हम 1 मिनट लो फ्लेम पर चला लेंगे इसी तरीके से। तो 1 मिनट हमने इसे सेक लिया है। लास्ट में इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। तो बहुत ही क्विकली टेस्टी ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है, बिल्कुल कम ऑयल में, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, हेल्दी नाश्ता है। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी इसे बना कर खा सकते हैं। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा पोहे आलू का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी क्विक नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, गर्मा गर्म बना के खाएं, गेस्ट आए उनको सर्व करें। आप इसे सॉस या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, दिखाते हैं आपको कितने बढ़िया बने हैं। देख सकते कितने सॉफ्ट बने हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने प्यारे से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से थैंक यू। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।